हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर एसएन यादव जो कि रेलवे जेई मुंबई डिवीजन में कार्यरत हूं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त, उसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे एएलपी ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और मैथ सब्जेक्ट से परेशान हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा करके केवल चले जाएँ। क्योंकि देखिए, हर चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसमें 200 से 300 पीवाईक्यू हैं, और 200-300 जब क्वेश्चन आप लगा लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्ट हो जाता है। इसी कड़ी में हम लोग जब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वो है कि दो संख्याओं का योग 9 है। आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याएं। अब हमें पता नहीं है कि वो संख्याएं कौन कौन सी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, एक्स है, और दूसरी संख्या वाई है, और दोनों का जो सम है, योग है, वो 9 है। ठीक है, ये हो गया। देन क्या कह रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। व्युत्क्रम मीन्स जो इनवर्स है उसका, जो इनवर्स है उसका सम जो है वो क्या है, 1/2 है। देन अब बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या है, तो देखिए अब जो इसको हम लोग अगर इस इक्वेशन 2 को सॉल्व करें, ये इक्वेशन 1 है हमारा, तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x, और दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू 1/2। और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 9 है। x प्लस वाई की वैल्यू 9, x इंटू वाई इक्वल टू 1/2, तो x इंटू वाई कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 18 आ जाएगा। x और y की, x इंटू वाई की वैल्यू आ गई 18। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, 2, 5, 6, 4, देखिएगा 2, 5, 6 और 4। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर मैं x और y की ऐसी वैल्यू लूंगा जिसका सम करने पे 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए, तो अगर मैं 6 को ले लूं तो 6 + 3 9 हो जाएगा, और 6 × 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्त, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो देखिए हमें इसमें क्या पता होना चाहिए कि 4 से जब कोई भी संख्या डिविजिबल होना होती है तो उसका लास्ट का जो 2 डिजिट होता है, मतलब मान लो जैसे कि इसी में एग्जाम्पल दिया हुआ है 5, 6, 3, 2, 6, 5, 4 है। ठीक है, ए ऑप्शन, तो हम केवल और केवल ये लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे कि ये 2 डिजिट डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 2 डिजिट डिविजिबल होगी तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो मींस अगर 4 से पूछता है तो हमें क्या देखना होगा, लास्ट के 2 डिजिट। तो इसमें जब देखेंगे तो देखिए 54 है, तो 13 × 4 = 52 होता, तो ये तो होगा नहीं, 76 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 3 बचा, और 4 × 36 तो 19 × 4 = 76 होता है ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। आप सी नंबर देख लीजिए, 16 × 64 होता है, 2 शेष फल बच जा रहा, और अगर चौथे ऑप्शन की बात करें हम लोग तो 90 है उसका, तो 90 को अगर हम लोग बात करेंगे तो 22 × 88, 2 अपना रिमाइंडर बच जा रहा है, हो रहा। तो इस प्रकार से इसका बी आंसर सही हो जाएगा।